नमस्ते इंटरनेशनल योगा डे। ऑलराइट, तो इंटरनेशनल योगा डे पे हम योगा तो करते ही हैं और आई होप कि आप भी अपने हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए योगा करेंगे। बट ये अर्थ की एनुअल साइकिल में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि ये है सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस। तो सोल्स्टिस क्या होता है? देखिए, स्पेस में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप मेरे स्पेस वाले वीडियोस देखेंगे तो आप जानेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मनुष्य और ज़्यादा स्पेस में एक्सप्लोर करे एंड ओवर जनरेशंस अगले 100, 200, 500 सालों में हम चांद पे, मंगल पे रहना शुरू करें एक्चुअली। तो इस चीज़ को रियल बनाने के लिए ज़रूरी है समझना कि हमारी पृथ्वी और सूर्य, चांद, इन सब के बीच में क्या कॉस्मिक डांस चल रहा है। ऑलराइट, तो अर्थ के बारे में बात करते हैं, सोल्स्टिस के बारे में, जो कि इंटरनेशनल योगा डे के अराउंड ही पड़ रहा है। तो ये क्या होता है कि अर्थ ऐसे गोल है और ऐसे ऐसे ये डोलती है, सूर्य के अराउंड यूं घूमती है और अपने एक्सेस के अराउंड यूं चक्कर काटती है, और चक्कर काटते हुए साल भर में एक अनिल कुंबले या फिर कोई युजवेंद्र चहल की स्पिन बॉल की तरह ये थोड़ा अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे भी करती है। तो तीन तरीके के मोशन हुए, एक तो सूर्य के अराउंड जो सन बीच में है और अर्थ उसके अराउंड घूम रही है, एक अपनी एक्सिस के अराउंड तो यूं हो रही है जिसके कारण दिन और रात हमें होती है, और एक थोड़ा सा यूं डोलना जिसके कारण हमारे सीजन्स होते हैं। तो ये जो भीषण गर्मी पड़ रही है ये इसीलिए पड़ रही है क्योंकि अभी अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इक्वेटर जो आधा करता है अर्थ को, वो इस तरफ झुका हुआ है। अगर सूर्य आपकी तरफ है तो अर्थ आपकी तरफ झुकी हुई है। तो क्या होता है कि क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है तो ये थोड़े से झुकाव के कारण हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन से थोड़ा क्लोज आ जाता है, सन की लाइट उसके ऊपर डायरेक्टली ज़्यादा पड़ती है एंड उसके कारण एक गर्मी होती है। तो इस कारण से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस हाफ ऑफ द ईयर में गर्मी रहती है, और यही चीज़ उल्टा हो जाता है धीरे धीरे, ऐसे अर्थ घूम जाती है और सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ चला जाता है जब हमारी तरफ विंटर होता है, और ऑस्ट्रेलिया और सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स हो जाती है दिसंबर के अराउंड। तो इस चीज़ के कारण क्या होता है कि दो बार साल में ऐसा होता है कि अर्थ एकदम एग्जैक्ट सन के अक्रॉस रहती है। तो ये होता है इक्विनॉक्स, और अभी जो मैं बता रहा हूँ सोल्स्टिस, वो है कि जब अर्थ ऐसे करके आगे की तरफ मुड़ गई है और मैक्सिमम एरिया जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का है वो सन की तरफ फेस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे लंबा दिन समर का ये होता है। तो इसी के कारण हम तो भाई दिल्ली, नोएडा, NCR में थोड़े लकी हो गए हैं कि थोड़ी बारिशें पिछले 3-4 दिन से पड़ गई हैं जिसके कारण थोड़ा सा मामला शांत हुआ है। औसम मौसम भी हुआ था बीच में, लेकिन अब वापस वो गर्मी की तरफ बढ़ गया है और मेरे तो ऑलरेडी पसीने छूट रहे हैं सोच सोच के ही। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्लाइमेट का हम कुछ कर सकते हैं धीरे धीरे अपनी तरफ से एफर्ट लगा के, लेकिन वो तो बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो सोल्स्टिस में सबसे लंबा दिन हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का। विंटर सोल्स्टिस जब अर्थ ऐसे वापस घूम के थोड़ा सदर्न हेमिस्फेयर चला जाता है सन की तरफ, तो उस समय सबसे छोटा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो वो 6 महीने बाद आएगा और इसके बीच में आती हैं दो इक्विनॉक्स, तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। इन दोनों टाइम में जैसा कि मैंने बोला था, इक्वेटर बिल्कुल सन के सामने रहता है और पूरी दुनिया में 12-12 घंटे की दिन और रात होती है। इस अर्थ की मूवमेंट ऐसे ऐसे डोलने के कारण क्या होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कभी कभी क्या नेचुरली 6-6 महीने दिन रहता है और 6-6 महीने रात भी होती है। तो इस कारण से अर्थ की क्लाइमेट, हमारे सीजन्स, इन सब पे बहुत फर्क पड़ता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे अपने ऊपर तो ध्यान दीजिए ही, पृथ्वी के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एंड जो आसन हम अपने आप को मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए करते हैं उसको फॉलो करते हुए
जब आप मेडिटेट करें, जब आप अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करें, तो अच्छी वाइब्स अपने मन में लाइए, ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए, बल्कि अर्थ की तरफ के लिए भी। तो ये था थोड़ा सा दो चीज़ों को कंबाइन करना, एक है अपनी इंटरनल हेल्थ को और एक दुनिया की हेल्थ को, राइट। एंड बी काइंड टू वन अनदर, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाइए, किसी फेक लोगों और फेक न्यूज़ के पीछे अपने आप को विचलित मत करिए, परेशान मत होने दीजिए। एंड मैं बोलूँगा कि मेरे दो दोस्त बहुत बढ़िया योगा के बारे में चीज़ें कर रहे हैं, एक है मिस जैस्मिन जो अमृतसर में योगा क्लासेस देती हैं, और एक है कार्तिक वैद्यनाथन जो डू डॉट योगा करके एक ऐप या एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, जो कि योगा स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को साथ में करता है। तो इन दोनों के लिंक्स मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डालने का, उनसे बात करने के बाद ऑफ कोर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आप सबके लिए सुखद हो, लाभदायक हो, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू नॉट जस्ट वन डे ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड वेल बींग, बट टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, टू ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दैट इन टू योर मेंटल स्टेट, कि हर समय आप थोड़ा शांत रहें, जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनके बारे में परेशान मत होइए, एंड अपने एक्शंस और अपने थॉट्स पे कंट्रोल करिए। इसी के साथ मैं हूँ अक्षत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड इफ यू लाइक व्हाट यू सी, टैप दैट सब्सक्राइब बटन फॉर ऑसम एंड फन। थैंक्स वंस अगेन, नमस्ते।